देश में कोरोना संक्रमण के चलते स्वास्थ्यकर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर हम सबकी रक्षा और देश की रक्षा के लिए इस वक्त फ्रंटलाइन पर काम कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से देश के अलग अलग राज्यों से इस तरह की खबरें आई कि जो कोविड में लोग लगे हुए हैं, चाहे वो स्वास्थ्यकर्मी हो या दूसरे विभागों के लोग, उनके इंश्योरेंस को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, चाहे वो मसला रिन्यूअल का हो या फिर उनके क्लेम को लेकर। और इसे लेकर NHRC ने वित्त मंत्रालय और IRDA को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। तो आज समझेंगे कि असल में स्वास्थ्यकर्मी हो या फिर दूसरे योद्धा जो कि कोरोना से जंग में सबसे आगे हैं, उनके इंश्योरेंस को लेकर क्या दिक्कतें हैं, किस तरीके की सहूलियत इनकी जरूरत है और हमारी सरकारों के पास ऑप्शंस क्या हैं और क्या बेहतर रास्ता हम उनके लिए बना सकते हैं। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ RK श्रीवास्तव साहब हैं, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बहुत स्वागत सर आपका। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं PK तिवारी जी, जो कि एडवोकेट हैं दिल्ली हाई कोर्ट में। तिवारी जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ डॉक्टर विनय अग्रवाल हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट IMA, आपको भी स्वागत है। शुरुआत में डॉक्टर विनय आपसे करना चाहूंगा, जिस तरीके से ये खबरें आई अपने आप में शॉकिंग है, अपने आप में ये हैरत अंग्रेज, मैं कहूँ कि शर्मिंदगी भरा है कि जो फ्रंटियर हमारे सबसे ज्यादा अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, इस जंग में आगे हैं, उन्हीं के इंश्योरेंस के रिन्यूअल या उनके बीमा क्लेम को लेकर इस तरह की खबरें आती हैं। ऐसा क्यों है और ये संख्या कितनी कम या ज्यादा है अलग अलग राज्यों में? आपको हैरानी होगी कि 50 के करीब डॉक्टर्स देश में अपनी जान गंवा चुके हैं। अगर हम हेल्थ केयर वर्कर्स को देखें, वो कहीं 200 से ज्यादा नंबर। अब इस तरीके की सिचुएशन में अगर संक्रमित का देखें तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में ही रिपोर्ट है कि 1000 के करीब हेल्थ केयर वर्कर्स संक्रमित हुए। दिल्ली की अगर खबर लेते हैं हम, 1500 से ज्यादा 2000 के करीब हैं। और अगर देश भर की खबर लेते हैं तो हेल्थ केयर वर्कर करीब करीब 5000 से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर संक्रमित है। आज के दिन भी रोज जितने पेशेंट्स के फोन आते हैं उससे ज्यादा डॉक्टर्स के फोन आते हैं या हेल्थ केयर वर्कर्स के आते हैं कि उनको कहीं पर एडमिट करा दिया जाए या उनको बेड दिलाया जाए या किया जाए। और यही नहीं, एक बड़ा विरोधाभास है, विरोधाभास सरकारी और प्राइवेट सर्विसेज में भी बड़ा विरोधाभास है। आप देखिए दिल्ली में टोटल 59,000 बेड हैं और 59,000 बेड में अगर 11,000 बेड दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के पास है उसमें सिर्फ 40% ऑक्यूपेंसी है। और जहां 29,000 बेड प्राइवेट सेक्टर में है उन छोटे छोटे नर्सिंग होम को आज सताया जा रहा है। और नहीं सताया ही नहीं जा रहा, उनको कहा जा रहा है कि आप इंटरमिक्सिंग ऑफ पेशेंट्स कीजिए, आप 20% बेड्स रखेंगे, कोविड और नॉन कोविड को मिलाएंगे। डॉक्टर श्रीवास्तव हमारे पास हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की हिदायतें हैं कि कोविड और नॉन कोविड पेशेंट्स को अलग अलग ब्लॉक्स में रखा जाए, लेकिन हम लोगों को सताया जा रहा है। अब आपने इंश्योरेंस की बात की, देखिए इंश्योरेंस के मामले में इंश्योरेंस कंपनीज या जो TPAs हैं, मैं कहना नहीं चाहता, बड़ी बेहूदगी से एक शब्द ऐसा इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिस तरीके से मेडिकल प्रोफेशन को डील कर रही है। एक पेशेंट हमारे यहाँ दाखिल होता है, एक हेल्थ केयर वर्कर दाखिल होता है, ये पूछा जाता है कि इसको दाखिल करने की क्या जरूरत है, इवन इन स्पाइट ऑफ पॉजिटिव रिपोर्ट। एक डॉक्टर को या उसके हेल्थ केयर वर्कर्स को अगर हम एडमिट नहीं कर सकते आज के दिन अस्पताल में, और हमें मुझे लाचारी से देखना पड़ेगा उस इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ, इससे ज्यादा दुखद घटना नहीं हो सकती। मैंने अखबार में पढ़ा जिसमें कहा गया कि 27 के करीब हेल्थ केयर वर्कर्स को अभी तक एक चुना गया है कि उनको हम इंश्योरेंस का वो देंगे, बाकी अभी भी उनको क्लैरिटी नहीं है कि ये पब्लिक सेक्टर के हैं प्राइवेट सेक्टर के हैं। आप देखिए okay. मैं तो बड़ा खुश हूँ कि NHRC ने इसका संज्ञान लिया और उन्होंने नोटिस दिया है IRDA को। उसको मेरी प्रार्थना है IRDA से आपके माध्यम से कि ऐसे रेगुलेशन बनाए, इस पेंडेमिक की सिचुएशन में हमें उत्साहित करें, निरुत्साहित ना करें। मेडिकल सर्विसेज अपनी जान की को लगाकर आज पूरी की पूरी सेवा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस तरीके की हरेसमेंट ना हो लेकिन एनकरेजमेंट मिले, ये मेरा कहना। तिवारी जी, अगर कानूनी तौर पर देखो, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके के हालात हैं, ऐसे में अदालत का दरवाजा खटखटाना, क्लेम के लिए चक्कर लगाना, ये बहुत मुश्किल काम है, और खासकर पर उन वर्कर्स के लिए, उन हेल्थ जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, दूसरे जो मैं कहूं कि कोरोना वॉरियर्स हैं, उनके लिए कि वो अपनी ड्यूटी को छोड़कर पहले अपने लिए अपनी हक की लड़ाई को लड़ने के लिए अलग रास्ते पर जाएं।
किस तरीके की दिक्कतें रिफ्यूजल को लेकर आपने देखी है, क्योंकि आप इस तरह के केसेस को हैंडल करते हैं और पिछले कुछ महीनों में इंश्योरेंस कंपनियों करवाइया? देखिए ऐसा है, यहाँ पे दो चीजें आ रही है, एक ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसीज होती है, दूसरी इंडिविजुअल होती है। और इंडिविजुअल पॉलिसी है वो अपने लिए है, जो हेल्थ केयर वर्कर हैं जिन्होंने अपनी पॉलिसी करा रखी है, इंडिविजुअली करा रखी है या हॉस्पिटल के माध्यम से करा रखी है, तो इसमें जो क्लेम है वो इंडिविजुअली फाइल करना है। आज के भी एक न्यूज़ है कि 75 क्लेम्स गए जिसमें 27 अभी तक उन्होंने लिए हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल लेवल के हैं। ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसीज एक डिफरेंट होती है, उनका हेड कोई और होगा और उसके अंदर ये लोग आते हैं। तो ये क्लेम प्रोसेस जो है हमेशा TPA करती है थ्रू अ पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी। आज के हिसाब से जो मैंने न्यूज़ देखी वो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के प्रोसेस की आई है। कितनी और गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनीज हैं जिसके अंदर उनके क्लेम पेंडिंग है, नहीं है। एज फार एज गवर्नमेंट अनाउंसमेंट की बात है कि 50 लाख उनको एक ये देना चाहिए, तो ये जो ऑन द स्पॉट अनाउंसमेंट हुई है तो ये इसलिए थी कि किसी की अगर लाइफ चली जाती है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट आइदर बाई डॉक्टर, हॉस्पिटल स्टाफ और अदर हेल्थ केयर और पैरामेडिकल वर्कर, तो जहाँ पे लॉस होगा वहाँ पे ये लिमिट गवर्नमेंट ने दिया है 50 लाख की। अब इसमें कितने ये लोगों ने मतलब ये गवर्नमेंट के थ्रू एजेंसीज के थ्रू फाइल हुए हैं तो ये मैटर वहाँ आता है। एज फार एज IRDAI इज कंसर्न, दे आर नॉट द बॉडी टू पे दीज एक्सपेशिया पेमेंट आउटराइटली फ्रॉम वन सेट ऑफ क्लेम, बिकॉज एवरी टाइम क्लेम हैज टू बी सेटल्ड थ्रू TPA बाई अ इंश्योरेंस कंपनी। सवाल ये कि क्या इंश्योरेंस कंपनियां वो लोग जो कि कोरोना के लड़ाई में आगे, चाहे वो डॉक्टर हो, स्वास्थ्यकर्मी हो, पुलिसकर्मी हो, उनसे क्या ये पूछ सकती है कि आप कोरोना में काम कर रहे हैं, कोरोना संक्रमित लोगों के संपर्क में हैं, अगर हैं तो आपका प्रीमियम 15% बढ़ जाएगा या बढ़ा हुआ प्रीमियम पे करना पड़ेगा? ये जो दिक्कतें हैं ये क्यों हैं, और जो गाइडलाइन अब तक है क्या इसकी इजाजत देती है कंपनियों की इसकी? सचान साहब वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो गाइडलाइंस है IRDAI बनाती है, और जो कंडीशन में हम लोग गुजरे हैं आज तक ना तो कोई स्ट्रेट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का कुछ हमारे पास है, ना कोई क्लेम प्रोसेस एक सेट है। इमीडिएटली कोई चीज़ आती है तो इमीडिएटली पेमेंट देना उसके लिए एक सेट गाइडलाइंस चाहिए, या सेंट्रल पूल हो, जैसे न्यू इंडिया के पास इन्होंने लिखा है कि 100 करोड़ उन्होंने दिया, उसको डिस्पर्स करना है, उसका एक प्रोसेस आएगा। आउटराइटली सिंगल विंडो सिस्टम अभी तक फॉलो नहीं हुआ है, ना होता है, एक सेट प्रोसेस है। गवर्नमेंट को इसके अंदर IRDAI के माध्यम से कहना चाहिए आप पॉलिसी ऐसी ड्राफ्ट करो ताकि इंश्योरेंस कंपनीज अपनी जो पॉलिसीज हैं या तो फ्रेश पॉलिसी फॉर्मुलेट करके इमीडिएटली क्लेम आए और डिस्पर्स करें विद इन टाइम लिमिट, लेकिन उसके लिए भी TPA चाहिए। TPA में आज की डेट में कोई भी किसी भी कंपनी की TPA में कोई ऐसा क्वालिफाइड पर्सन नहीं है जो इमीडिएटली क्लेम पेपर्स को स्क्रूटनी करके और क्लेम पास करें। तो ये छोटे छोटे लैकुनेज हैं, इसके लिए ये प्रोसेसेस डिले हो रही हैं, लेकिन गाइडलाइंस बहुत सेट होनी चाहिए और ऑन द स्पॉट क्लियर होना चाहिए। श्रीवास्तव सर, दो कंसर्न हैं जो पिछले 2 महीने से बहुत सारे लोगों के हैं जो कि कोरोना के साथ लड़ रहे हैं या फिर कोरोना इन्फेक्टेड लोगों के संपर्क में काम कर रहे हैं। पहला उनका सबसे बड़ा इशू ये है कि रिन्यूअल को लेकर कंपनियां उन पे फोर्स कर रही हैं कि आप बताएं कि आप क्या संक्रमित लोगों के यहाँ काम करते हैं, अगर ऐसा है तो उनका प्रीमियम बढ़ाया जा रहा है। क्या ये मुमकिन है, और क्या कोरोना काल को देखते हुए जो पुरानी मैं कहूँ कि इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं वो खत्म हो जाती हैं, उनका दायरा खत्म होता है और एक नया मैं कहूँ कि दायरा, एक नई पॉलिसी की जरूरत है? बेसिकली इंश्योरेंस का इशू जो है ना आज की तारीख में बड़े बड़े शहरों में जहाँ पे कोरोना का स्पाइक बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है बहुत ही हाईलाइट में आ गया है। आप याद करेंगे कि मार्च के एंड में 30 मार्च के आसपास न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 50 लाख रुपए का मृत्यु के समय पेमेंट का बात करा था कि अगर कोई कोरोना वर्कर है
और उसकी मौत हो जाती है तो ये 5 लाख रुपए का पेमेंट, 50 लाख रुपए का पेमेंट किया जाएगा। जैसे वकील साहब बता रहे हैं एक्स ग्रेशिया पेमेंट है, इसका अपना एक अलग प्रोसेस है, काबिल आदमी चाहिए उस सब क्लेम को स्क्रूटनाइज करने के लिए, उनकी कमी है, लेकिन वो सिस्टम क्लियर आज की तारीख में योजना के तहत हो गया, एक एजेंसी के तहत हो गया और उसकी गाइडलाइन भारत सरकार ने निकाल करके डाल दी। अब दूसरा रह जाता है, ये तो एक हिस्सा हो गया, अब बाकी वो जो हेल्थ वर्कर अस्पतालों में काम कर रहे हैं, जो दिन रात कोरोना के मरीज को हैंडल कर रहे हैं या उनके सैंपल को हैंडल कर रहे हैं, या वो मर जाते हैं तो उनकी डेड बॉडी को उठा करके एक मॉर्चरी में ले जा रहे हैं, या किसी और प्रकार से उन लोगों के लगातार संपर्क में आ रहे हैं जो कोरोना केयर कर रहे हैं, इनके अंदर भी अगर आप मोटे तौर पे देखें, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ, 40 लोगों की एक टीम 12 घंटे के लिए आईसीयू में काम करती है, 14 दिन की उसकी ड्यूटी लगती है, उसके बाद 5 दिन का क्वारंटीन होता है, ऑन एन एवरेज उसमें 3 या 4 कोरोना पॉजिटिव आ जाते हैं। ये एक सफदरजंग हॉस्पिटल का बेसिक डाटा है जिसके बारे में मैं जानता हूँ। अब ऐसी ही स्थिति प्राइवेट में भी होगी, सफदरजंग हॉस्पिटल क्योंकि भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, वहाँ सीजी से चलती है, बहुत सारे लोगों को प्रोटेक्शन मिल जाता है। प्राइवेट सेक्टर में जो हॉस्पिटल है उसके पास या तो मेडिक्लेम है या ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है, या इंडिविजुअल है या ग्रुप वाली है। अब इन सबको जो भी इंश्योरेंस कंपनी दे रही है वो उसके पास अगर एक क्लेम जाता है जो कि किसी चीज तरीके से कोरोना से रिलेटेड है, तो वो कहती है साहब ये रिस्क तो हम नहीं कवर करते, इस रिस्क के लिए तो आपको और प्रीमियम देना पड़ेगा। और दुर्भाग्यवश अगर प्रीमियम की मात्रा देखें ना, तो वो 70-80 हजार तक एडिशनल प्रीमियम चार्ज किया जा रहा है। 70-80 हजार का प्रीमियम दे करके एक वर्कफोर्स 4-5 लाख रुपए के खर्चे का प्रोटेक्शन जो हार्डली 5% में होती है वो नहीं कर सकती, अस्पताल भी नहीं करना चाहेगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ वर्कफोर्स एक बड़े अस्पताल में है, जैसे मान लीजिए गंगाराम अस्पताल है, गंगाराम अस्पताल में एक्स नंबर ऑफ बेड के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इसका प्रीमियम भी पे करना अस्पताल के लिए एक तरीके की कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ नहीं है। इंडिविजुअल नहीं पे कर रहा, अस्पताल नहीं पे कर रहा, भारत सरकार की गाइडलाइन नहीं है, IRDA ने इसके अंदर इंटरवेंशन नहीं किया। अब ये सारी चीज़ें एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा कर रही है हेल्थ वर्कर के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर में, और ये मानिए ना आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है मानना कि जो हमारी बेड कैपेसिटी सरकारी सिस्टम है वो सफिशेंट नहीं है इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए, प्राइवेट सेक्टर का सहारा आपको 50% लेना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, इशू ये आता है कि 50 लाख रुपये को जो उन्होंने लिखा है इस स्कीम में वो 31 मार्च से शुरू होकर के 30 जून को ख़त्म होने वाला 6 महीने का है, और इसी दौरान ये सारी प्रॉब्लम NHS नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नोटिस में आई, उन्होंने सरकार को संज्ञान दे दिया, वित्त मंत्रालय को संज्ञान दे दिया। तो अब एक मैकेनिज्म सेट इन हो गया है जिसके जरिए इन्हें फास्ट ट्रैक पे एक तरीके का सिंगल विंडो क्लियरेंस बनाना पड़ेगा, जिस विंडो के तहत जिस गाइडलाइन को IRDA अप्रूव करे, भारत सरकार मान्यता प्राप्त करे, उसके अंदर जो फीवर क्लिनिक में जाना है हैंडल करने वाले डॉक्टर्स कर्मचारी हैं, जो वार्ड में हैंडल करने वाले डॉक्टर कर्मचारी हैं, जो लैब में करने वाले हैं, जो ICU में करने वाले, उन सब का इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस अगर रिन्यू होना है तो जो एक्स्ट्रा चार्ज आ रहा है वो कहीं ना कहीं सरकार प्रोवाइड फॉर करे, या ग्रुप इंश्योरेंस है तो वो अस्पताल के साथ मिलके उसके अंदर एक पार्टनरशिप करे जिससे कि वो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। इसके बिना ये चीज़ आगे बढ़ नहीं पाएगी, और ये चीज़ इसका जो इम्पैक्ट आ रहा है ना, आज इम्पैक्ट ये आ रहा है, अगर छोटी छोटी सी खबरें आप देखें, RDA वालों ने कहा कि साहब जो है हमारा एक्सटेंशन आप नहीं दे रहे हैं, हम रिजाइन कर रहे हैं। रेजिडेंट के ऊपर ज़्यादातर अस्पताल चलते हैं, इसी तरीके से बहुत सारे सीनियर डॉक्टर्स वो कहते हैं हम 55 साल से ज़्यादा के हम नहीं जाएंगे, हम हाई रिस्क कैटेगरी में आ रहे हैं। इसी तरीके से बहुत सारे सफाई कर्मचारी हैं वो जो कहते हैं कि साहब हम बॉडी पैक नहीं करेंगे, हम MSC के साथ जाके बैठ जाते हैं, हमें PPE दीजिए अब तब हम बॉडी पैक करेंगे, आपके पास PPE नहीं है। तो ये सिचुएशन जो है इसका पीछे जो रूट काज है वो रूट काज ये है
द मनी रिलेटेड सिक्योरिटी जो चाहिए उन्हें, इंश्योरेंस जो सिक्योरिटी चाहिए, जो प्राइवेट सेक्टर में सिक्योरिटी चाहिए, उस सिक्योरिटी का कोई वाया मीडिया क्लियरली नहीं निकला है। और लंबा टाइम नहीं लग सकता इसके अंदर, क्योंकि जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं उस रफ्तार के पास आपको विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी 5 दिन 10 दिन से ज़्यादा नहीं है। तो सरकार को, IRDA को, इन सबको मिलकर इसको हैंडल करना अति आवश्यक है, अन्यथा हम अपनी वर्कफोर्स को धीरे धीरे लूज करते जाएंगे। तिवारी सर, दो चीज़ें थोड़ा सा मैं और समझना चाहूँगा। जो भी हेल्थ वर्कर, कोई भी शख्स है, अगर वो कोरोना पेशेंट या कोरोना हॉस्पिटल या कोरोना वार्ड में काम कर रहा है, क्या मौजूदा जो पॉलिसीज उनके पास हैं, चाहे वो ग्रुप हो या फिर इंडिविजुअल पॉलिसी हो, उसमें ये कवर है या नहीं होगा जो मौजूदा नियम है? और दूसरा ये, जैसे कि श्रीवास्तव सर ने कहा कि अब अगर नई विंडो को खोलना है तो उसके लिए नई गाइडलाइंस, नया सिस्टम, नए रूल्स फ्रेम होंगे, उसमें वक्त लगेगा। देखिए, इसमें दो चीजें बहुत क्लियर हो रही हैं कि ऑन द स्पॉट अनाउंसमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर 50 लाख रुपीज, जो कि एक मतलब इस कंडीशन में दिया कि अगर लाइफ लॉस होती है तो वो उनको दिया जाए, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर इंडिविजुअल और ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी। सेकेंड इशू, अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, ग्रुप मेडिक्लेम इज वॉट, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल स्टाफ, डॉक्टर एंड एवरीथिंग, ठीक है ना? लेकिन अगर इंडिविजुअल डॉक्टर है, उसकी इंडिविजुअल पॉलिसी है और वो इन्फेक्टेड हो गया, तो इन सिनेरियो ऑफ कोविड यहाँ पे ये होता है टॉप अप। अब इसमें जो इंश्योरेंस कंपनी है, जिसने पॉलिसी प्रोवाइड कर रख रही है 3 साल 5 साल 10 साल से चल रही है और उसको ये प्रॉब्लम में फेस हो रहा है, तो यहाँ पे टॉप अप मतलब एटलीस्ट दे कैन डबल द अमाउंट और दे कैन ट्रिपल द अमाउंट टू मीट द ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस। एटलीस्ट यहाँ इशू आएगा ट्रीटमेंट का। लॉस का अगर होता है तो एक तो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर ही दिया, बाकी इंडिविजुअल पॉलिसीज में एक अपना आउटलुक होता है, तो ये इसमें है, टॉप अप कैन बी बाय द इंश्योरेंस कंपनी। तो क्या मौजूदा में जो पॉलिसी, अगर मैं किसी एक्स पर्सन की बात करूं, वो हॉस्पिटलाइज होता है तो उसका कवर है कोरोना के तहत, अगर इसका इलाज चल रहा है तो वो मेडिक्लेम उसको मिलना चाहिए, रिफ्यूज नहीं कर सकती कंपनी? और अगर करती है तो क्या करे? क्योंकि कई सारे ऐसे मैसेजेस और मेल मेरे पास आए हैं जो लोग, जिनके सामने समस्या आई है। जी देखिए, बहुत से ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जहां पे अभी तक ये वर्ड डिफाइंड नहीं है कि कोरोना रिलेटेड ट्रीटमेंट हम पे करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम अपनी लीगल उसमें देखें तो ये एक अनफोर्सीन कंडीशन है और एक एक्सीडेंटल कंडीशन एक साथ हुई, जहां ना हम प्रिपेयर थे ना आप प्रिपेयर थे। तो ये एक्सीडेंटल केसेस के मैटर्स में कंपनीज को इमीडिएटली पे करना चाहिए जो भी उसका क्लेम बनता है उसके हिसाब, क्योंकि कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी कितना पे करेगी, जो सम एश्योर्ड लेवल होगा, नॉट बियॉन्ड दैट। तो ये कंडीशन है, लेकिन ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑन द गाइडलाइंस ऑफ IRDA एंड अप्रूवल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, दे कैन गो फॉर टॉप अप, कि एडिशन वी कैन डबल द प्रीमियम अमाउंट, सम एश्योर्ड अमाउंट। सपोज वन इज इंश्योर्ड फॉर 5 लाख एंड समबडी हैज डाइड ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, मे बी अ हेल्थ केयर वर्कर और डॉक्टर, हूसोवर इज देयर, सो इंस्टेड ऑफ 5 लाख दे कैन गो फॉर 10 लाख एंड वॉट एवर द अमाउंट इज कंसर्न, दैट इज द प्रीमियम एडिशनल अमाउंट, that has to be borne by the government, not by the individual person. So in this condition, ये situation काफी कुछ तक materialize हो सकती है। डॉक्टर विनय, अब options की मैं बात करूँ, रास्ता क्या है? क्योंकि जिस तरीके से बिहेवियर है इंश्योरेंस कंपनियों को, वो हमने देखा है, और श्रीवास्तव सर ने सुझाव दिया कि जल्द से जल्द एडा को चाहिए कि नई गाइडलाइंस करे, क्योंकि हेल्थ वर्कर या फिर मैं कहूँ कि फ्रंटलाइन में जो इस वक्त लोग काम कर रहे हैं, जो इस लड़ाई में सबसे आगे हैं, सबसे ज़्यादा रिस्क उनकी लाइफ को लेकर है, अगर उनका मोरल डाउन होता है या उनको मैं कहूँ किस तरह के हैसल्स फेस करने पड़ते हैं इंश्योरेंस या उनके क्लेम को लेकर, तो ये बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है हमारे आने वाले दिनों में। देखिए, इसमें दो फैक्टर हैं। एक तो मुझे लगता है कि IRDA को सख्त से सख्त इंस्ट्रक्शन देनी होंगी इंश्योरेंस ग्रुप्स को और इंश्योरेंस कंपनीज को, कि जो हेल्थ ट्रीटमेंट में जो कॉस्ट आती है और जो जो भी हेल्थ केयर का इंश्योर्ड है, चाहे इंडिविजुअली है चाहे वो ग्रुप इंश्योरेंस से अपने कंपनी के, उन लोगों के इलाज में जो खर्चा होता है उसको कोई एडहॉक तरीके करते हुए, उनको परेशान करते हुए उस तरीके के ट्रीटमेंट को इमीडिएटली रिलीज किया जाए।
इसमें भी दो तरीके हैं, जैसे डॉक्टर तिवारी ने टॉपअप करने की बात की, वो टॉपअप करने का एक दूसरा एस्पेक्ट है कि अगर मान लीजिए कोई 2 लाख का इंश्योर्ड हेल्थ केयर वर्कर, जैसे क्लास 4 एम्प्लॉइज है या बाकी है हॉस्पिटल में भी 2 या 3 लाख, अगर उनका खर्चा ज्यादा आता है तो उस ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के अंतर्गत उसको टॉपअप करके उनको दिया जाए, पैंडेमिक सिचुएशन है, इमरजेंसी है। दूसरा इशू आता है किसी डिजीज के समय में, जब किसी की डेथ होती है, वो जो एक्सक्रिशिया पेमेंट जो सरकार ने अनाउंस किया है 50 लाख का अप टू 50 रुपीज, वो इस हेल्थ इंश्योरेंस से वो एक अलग एक्सक्रिशिया पेमेंट है, उसका ये क्लैरिटी होनी है कि वो पैसा राज्य सरकार ने देना है या सेंट्रल गवर्नमेंट ने देना है, वो थ्रू किसी इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू देना है या राज्य सरकार ने एक्सक्रिशिया पेमेंट देना है। उसमें एक और कंफ्यूजन है, वो क्या उन कोरोना वॉरियर्स के लिए जो सरकार में काम कर रहे हैं, या उन कोरोना वॉरियर्स के लिए जो किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में कोरोना ट्रीटमेंट से संबंधित है, या कोरोना ट्रीटमेंट के संबंध में उन वो इन्फेक्टेड होते हैं और उस इन्फेक्शन से उनकी डेथ होती है। नाउ ये 2-3 चीजें भी क्लियर है, और ये एडजस्टमेंट थी, उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि 50-40 लाख ये जो पैसा मिलना है ये उस ग्रुप इंश्योरेंस से नहीं मिलना जिस हेल्थ इंश्योरेंस में आप कवर है, ये उन लोगों को भी मिलना है जिनका शायद हेल्थ इंश्योरेंस, तो उस तरीके की जो इंश्योरेंस कवर है वो अनाउंसमेंट को भी IRDA को बड़ी स्पष्ट गाइडलाइन देनी होगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी अनाउंस करना पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ केयर स्टेट सब्जेक्ट है, उन स्टेट्स में जहां जहां ऐसे हेल्थ केयर वर्कर्स की डेथ हो रही है उनको प्रायोरिटी बेसिस पे उनको पैसा दिया जाए, उनको इंसेंटिवाइज भी किया जाए, ताकि जो एक ऑलरेडी गिरा हुआ मॉरल है डॉक्टरों का वो और ना गिरे। मैं आपको 2-3 चीजें और छोटी सी बताना चाहूंगा, दिल्ली में तनख्वाह तक नहीं दी जा रही, मोहल्ला क्लिनिक्स में डॉक्टर्स लड़ रहे हैं कि उनको पैसे नहीं मिल रहे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। नाउ इन इश्यूज को अगर देखते हैं और इंश्योरेंस कंपनीज भी अगर दुखी कर रही है, तो बताइए डॉक्टरों के पास क्या है, जाए वार्ड में PPE किट्स नहीं मिल रहे थे, राइट, पूरी फैसिलिटीज नहीं है, 20 बेड के आपको 20% बेड्स आपको छोटे से नर्सिंग होम में उसको बुक करने हैं, वहां पे पेशेंट को एडमिट करना है, इसका मतलब वो एक कफन बांध के डॉक्टर या हेल्थ केयर वर्कर आज जा रहा है अस्पताल में, उसे कुछ पता नहीं कि बच के आएगा, इन्फेक्ट होगा, मर जाएगा उसके, बल्कि कुछ केसेस में जानता हूं जहां एसोसिएशन ने पैसे इकट्ठे करके उनके परिवार को आर्थिक सहायता दी है, क्योंकि ऐसी भी सिचुएशंस हैं जहां पे कुछ डॉक्टर्स की डेथ हुई और वो परिवार इस हालत में नहीं है कि उनको कर सके। मुझे याद है तमिलनाडु में भी, और मुझे याद है कि हम उत्तर प्रदेश में भी 1-2 जगह पे डॉक्टर्स एसोसिएशन पैसा इकट्ठा करके उनको दे रही है। इतनी बुरी हालत में मुझे लगता है आपने हमें मदद करनी चाहिए। श्रीवास्तव सर, 2 पहलू हैं, पहला ये कि जो अनाउंस किया गया सरकार की ओर से उसमें थोड़ा सा और क्लैरिटी चाहिए, और खास तौर पर क्योंकि हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, राज्यों को क्लैरिटी इसमें करनी होगी, गाइडलाइंस तय करनी होंगी इस ग्रीशिया को लेकर। और दूसरा जो सबसे अहम है कि क्या रिन्यूअल में इंडिविजुअल या फिर ग्रुप पॉलिसी में वहां पर रूल्स किस तरीके से फ्रेम हो, और उस पर जो एक्स्ट्रा भार है या मैं कहूँ कि प्रीमियम का, वो आखिर देगा कौन। जहां तक पहली चीज का सवाल है कि अगर कोई मर गया कोरोना वॉरियर, तो उसको 50 लाख का जो पैसा मिलना है उसकी गाइडलाइन भारत सरकार ने बना रखी है, वो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर के लिए लागू है। लेकिन जो इशू विनय जी ने बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी, ये उसमें क्लियर नहीं है। इसका कहीं भी मेडिक्लेम से या किसी प्रीमियम बेस्ड इंश्योरेंस सिस्टम से लेना देना नहीं है। और अल्टीमेटली इस प्रकार की स्कीम की वैल्यू तब नज़र आती है जब हमें डाटा मिलते हैं कि अगर 100 केस के अंदर से 95 केसों को 15 दिन के अंदर ये पेमेंट मिल गया तो बहुत अच्छा है, अगर 100 केस में 5 को मिला तो बहुत दुख भरी बात है। तो ये यहाँ पे इस समय ये इस एक्सग्रेशिया पेमेंट में भी दुख भरी बात ज़्यादा है, क्योंकि मिलने वालों की संख्या बहुत कम है। अब दूसरा राज इनकी पॉलिसी है, जो पॉलिसी वाले हैं इनके पास मेडिक्लेम है, इंडिविजुअल मेडिक्लेम है, उस इंडिविजुअल मेडिक्लेम के अंदर वो बीमार पड़ते हैं, उनका खर्चा होता है, खर्चा होने के लिए वो क्लेम रेज करते हैं, क्लेम इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है और इंश्योरेंस कंपनी इसको रिजेक्ट कर देती है कि ये हाई रिस्क हमारी पॉलिसी के तहत कवर नहीं है। एक ये सिचुएशन है, ये हो रहा है, खुलेआम हो रहा है। उसके बाद बताया जाता है कि साहब इसके लिए तो आपको प्रीमियम बढ़ाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा, जिसका रेंज मैंने बताया 70-80 हज़ार रुपये है सालाना।
तो ये एक इशू है जो फाइनेंशियल इन नेचर है एज वेल एज प्रोसीजरल इन नेचर। तो फाइनेंशियल एंड प्रोसीजरल के अंदर प्रोसीजर तभी वर्क करते हैं जब पैसा आता है। प्राइवेट सेक्टर का हॉस्पिटल इतना पैसा नहीं लगा सकता, इंडिविजुअल इतना पैसा नहीं लगा सकता, तो कोई ना कोई मैकेनिज्म सरकार को निकालना पड़ेगा, या तो अपनी जो उनकी आयुष्मान भारत योजना है PMJAY है उसके तहत, या किसी प्रधानमंत्री जो का कोष जो बना है इसके लिए, ये कोविड केयर के लिए उसके तहत, लेकिन ये प्रोवाइड फॉर करना पड़ेगा इमीडिएटली सो दैट ये पैसा उनके पास पहुंच पाए, जिसके जरिए जो भी एग्रीड अमाउंट ऑफ एडिशनल, मैं नहीं कहता 70,000 रुपये आप एक्स्ट्रा प्रीमियम दीजिए, भाई बात करिए आमने सामने बैठ के, बात करके कोई मात्रा तय करिए। कैंसर के लिए भी जब दवाइयों का बहुत ज़्यादा ओवर चार्ज हो रहा था उन्होंने उसकी सीलिंग लगाई कि 30% से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, तो इस तरीके का कुछ इमीडिएटली अक्रॉस द टेबल बात करके एक निर्णय निकालना चाहिए। अब रह गई कि पॉलिसी आपके पास है ही नहीं, या पॉलिसी आपको रिन्यू करानी है और आप चाहते हैं कि उसमें कोरोना भी कवर हो जाए, तो जो कि पॉलिसी है उसे रिन्यू करानी है उसके लिए अगर ये गाइडलाइन बन जाती है तो उसमें लागू हो जाएगी, और जिसको अपनी नई करानी है उस नई कराने वाले के लिए भी जो भी सरकार के प्रदत्त प्रावधान होंगे, जो नियम होंगे, जो रेगुलेशन होंगे, जो IRDA के अप्रूव्ड रेगुलेशन होंगे, वो सारे रेगुलेशन एक तरीके के लिए बंदिश की तरह एक्ट करेंगे इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर कि वो अंधाधुंध प्रीमियम ना चार्ज करते। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि इसके बियॉन्ड है, वो बियॉन्ड ये है कि भाई आपने पैसा अगर हमारा लग गया तो उसको वापस आने का भी तो टाइम होना चाहिए ना। मतलब मैंने आज क्लेम रेज कर लिया, पता चला एक साल के बाद क्लेम आ रहा है मेरा 50 क्वेरी लग के वापस आ रहा है, उसकी भी टाइमलाइन समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए जैसे कि आयुष्मान भारत में करी गई। और द लास्ट चीज ये है कि एट रिस्क पॉपुलेशन, मेरा तो इंश्योरेंस है, मैं घर के अंदर आइसोलेशन में रह रहा हूँ, एट रिस्क मेरी वाइफ है जिसका कवर नहीं है, मेरा नौकर है जिसका कवर नहीं है, उसका भी कहीं को ध्यान में रखना पड़ेगा ना, उसका भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर हम अपने सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहते हैं, कोरोना को कवर करना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर को पूरी तरह सिस्टम में इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो एक हफ्ते से ज़्यादा आपके पास विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं है। जिस रफ्तार से केस बढ़ रहे हैं इन 10 बड़े शहरों के अंदर, 10 बड़े प्रदेशों के अंदर, बिल्कुल एक, एक समय आकर के आपके पास ये खुल जाएगा कि पैसा नहीं है हमके पास। मेरा तो अपना यही सुझाव है कि दिस हैज टू बी डन एट अ फास्ट ट्रैक थ्रू अ सिंगल विंडो सिंगल पेयर सिस्टम एट स्टेट लेवल एज वेल एज सेंट्रल लेवल। थोड़ा सा मैं चाहूंगा सुझाव के तौर पर, इस बीच में अगर लीगल तौर पर अगर किसी के पास कोई रास्ता है, अगर क्लेम या फिर मैं कहूं कि रिजेक्शन होता है, तो आसान तरीका क्या है जो वो अपनाए, ज्यादा भाग दौड़ भी ना हो और शायद उसे कुछ मदद मिल पाए? इसमें सिर्फ गाइडलाइन चाहिए IRDA की इंश्योरेंस कंपनी को कि अगर कोविड रिलेटेड ट्रीटमेंट क्लेम आता है तो इमीडिएटली विद इन 7 डेज वो क्लियर कर दे। अगर ये हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी उस क्लेम को इमीडिएटली पास कर देगी, और यहाँ अगर डिफिशेंसी रहती है 6-6 महीने 3-3 महीने डिले होता है तो वो भी एक उनकी डेफिशिएंसी है। तो यहाँ स्ट्रिक्ट गाइडलाइन चाहिए, डायरेक्शन चाहिए IRDA का कि विद इन स्पेसिफाइड टाइम उनको क्लियर करना है। लेकिन यहाँ लकुना इसलिए आ रहा है कि TPA के अंदर कोई क्वालिफाइड स्टाफ नहीं है जिसको ये समझ में आए कि कोविड क्या है। ओके सर, दैट इज द रीजन। चलिए बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए, और देश में जिस वक्त कोरोना की जंग में सबसे आगे हमारे स्थानीय काम कर रहे हैं उनके इंश्योरेंस को लेकर जो दिक्कतें आ रही हैं उस पर अपने व्यू पॉइंट सामने रखने के लिए। उम्मीद करता हूं कि एडा और सरकारें इस पर ध्यान देंगी और बहुत जल्द नई गाइडलाइंस और नए रास्ते सामने होंगे जिसके चलते हम उन स्वास्थ्य कर्मियों या फिर उन